इस बार हम उमेश यादव को सबक सिखाएंगे, कल राधा कृष्णा भी अगर काम नहीं करेंगे तो हम राधा कृष्णा के सबक सिखाएंगे। कहाँ थे उस वक्त उमेश यादव साहब, कहाँ पर थे? एक तरफ मोदी सरकार है जो 400 पार का नारा लगा रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। जहाँ जहाँ पर भी वो पब्लिक में जा रहे थे, अब की बार 400 पार बोलकर, अब थोड़े दिन में अब की बार मोदी सरकार का भी नारा खत्म हो जाएगा। रूलिंग पार्टी का स्पोक पर्सन की तरह वो लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं, मोदी को डिक्टेटर जो बताया गया उसके खिलाफ हाथ मिलाकर नरेंद्र मोदी आती ऐसा ऐसा कर, वो बहुत बड़ा भूत है, आपका इलेक्शन में होता है, मुसलमान का नाम लिया बगैर आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। रिप्रेजेंटेशन वहां पर पूरे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग रिटर्न कंप्लेंट देने के ऊपर बाद भी जो है उनके ऊपर कार्रवाई। गुलबर्गा से भी यहाँ पर 7 मई को वोटिंग होने वाली है, एक तरफ एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच में यहाँ पर फाइट चल रही है। जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेट होते हैं वो हमारे नौकर होते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब हम मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं वसीम आज गुलबर्गा हेडलाइंस के स्टूडियो में। गुलबर्गा शहर की जानी मानी मशहूर शख्सियत जनाब मजहर हुसैन एडवोकेट साहब हमारे बीच मौजूद हैं। आज हम मौजूदा सियासी हालात पर बात करेंगे, तो मैं सबसे पहले मजहर हुसैन एडवोकेट साहब का गुलबर्गा हेडलाइंस के स्टूडियो में वेलकम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम गुलबर्गा हेडलाइंस टीम को, ख़ासतौर पे मैं वसीम साहब का तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहां पर बुलाया, दावत दी और इस इंटरव्यू के लिए बुलाया, जिसके लिए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी मदर साहब, जिस तरह से आज पॉलिटिकल सिनारो चल रहा है, सियासी हालात आप देख रहे हैं, एक तरफ मोदी सरकार है जो 400 पार का नारा लगा रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे, पावर में आएंगे, तो क्या आपको लगता है किस तरह से इन हालात को देखते हैं? इस बार का जो इलेक्शन पूरे मुल्क भर में जो चल रहा है, इस बार का इलेक्शन थोड़ा सा अलग है। इस बार जो है यहाँ पर ये पिछले 5 साल में 2019 से लेकर अब तक ये लोग जो है मनमानी और ऐसे ऐसे चीज़ों को, ऐसे ऐसे मामलों को, ऐसे ऐसे इश्यूज़ को लोगों के सामने लाए जो कि सीधा सीधा यहाँ पर अवाम को नुकसान हो रहा था। यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस थे वो तमाम इंस्टीट्यूशन को प्राइवेटाइजेशन कर दिए। यहाँ पर किसानों का जब मामला आया, किसान को जब एहतजाज करना है, प्रोटेस्ट करना, स्ट्राइक करना, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर इख्तियार है, ये फंडामेंटल राइट है। अगर हम हमारी सरकार से अगर नाराज अगर हैं तो अपनी बात को रखने के लिए, अपनी नाराजगी को इजहार करने के लिए अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जो है उनको प्रोटेक्ट करना, उनके राइट को प्रोटेक्ट करना, उनको करने की इजाज़त है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर वाटर कैनन और आंसू गैस का हमला हुआ है, किसानों को वहाँ पर बगाए, ऐसे मुख्तलिफ इशू हैं। आप तमाम पूरे मुल्क भर के लोग जानते हैं कि किस तरह से ये 5 साल के अंदर इन्होंने जो भी किया है आप तमाम लोग जानते हैं। लेकिन रही बात अभी 400 पार की बात बोल रहे हैं, 400 पार का नारा बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ गया है। वो इसलिए पड़ गया है, जहां जहां पर भी वो पब्लिक में जा रहे थे अब की बार 400 पार बोलकर बोल रहे थे, तो जितने भी बीजेपी के वोटर्स को ये इत्मीनान हो गया है कि हम वोट डालने दो नहीं डालने दो, मोदी जी बोलते हैं कि 400 पार तो 400 पार आ जाएंगे। इसलिए तकरीबन जो 2 फेज पिछले इलेक्शन हो गए उसके अंदर वोट परसेंटेज कम हो गए, जिसकी वजह से अब जो है 400 पार का नारा लगाना बंद हो गया है। अब देखो उनके पब्लिक प्रोग्राम में अब की बार 400 पार का नारा नहीं लग रहा है। अब थोड़े दिन में अब की बार मोदी सरकार का भी नारा खत्म हो जाएगा, अब ये 2 फेस होने के बाद, क्योंकि वैसे हालात बन रहे हैं, क्या तकरीरें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बेतुका बात करते हैं जिससे यह जाहिर होता है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मालूम है। जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पे जो इंसान रहता है तो उसको बहुत ही सोच समझ कर अपनी बात को रखना होता है। उनकी एक प्रधानमंत्री, एक प्राइम मिनिस्टर अवाम को एड्रेस कर रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर जब अपनी बात को रखता है तो उसकी बात के ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। लेकिन अफसोस ये होता है कि मंगलसूत्र, हिंदू मुस्लिम, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर मुस्लिम लीग, मुसलमान इस मुल्क का सिटीजन नहीं है, मुसलमान को दूसरे दर्जे से क्यों देखा जाता है, क्यों मुसलमानों का इलेक्शन के दौरान मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमान का नाम लिए बगैर आपका इलेक्शन नहीं होता है, मुसलमान का नाम लिए बगैर आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये इतना ये हो गया है क्योंकि उनके पास दूसरे इश्यूज नहीं है।
वो लोगों के सामने अपने 5 साल के अंदर जो बात रखना है वो बात रखने के लिए उनके पास कोई मटेरियल नहीं है, जिसके वजह से आज जो है वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान की इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे पहले यहाँ पर मुसलमानों ने मुहिम चलाई थी जब जाके मुल्क आजाद हुआ। आज भी अगर मुसलमान अगर हिंदुस्तान पर अगर आंच आएगी तो ये मुल्क की हिफाजत करने के लिए ये तमाम मुसलमान सामने आएंगे, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे हिंदू मुसलमान शर्माना चाहिए नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल, जिस तरह से आपने स्टेज पर नरेंद्र मोदी के बयानों का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि मुसलमानों को घुसपैठिया का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है, उनका यह कहना है। और इस तरह से बीजेपी के कर्नाटक आईटी सेल की तरफ से एक वीडियो बनाए जा रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर जीत कर आती है तो SC ST OBC के रिजर्वेशन हटाकर, उनका फंड हटाकर तमाम चीजें मुसलमानों की दी जाएगी। वही तो बता रहा हूँ ना मैं आपको, मैं क्या बता रहा हूँ, उनके पास आप आने वाली ये 2024 को इलेक्शन लड़ने के लिए, 2024 को इलेक्शन को जीतने के लिए उनके पास कोई मटेरियल नहीं है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ पर जब तक मुसलमानों का नाम नहीं लिया जाएगा, जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाएगा, जब तक वोट पोलराइजेशन नहीं करेंगे, वो नहीं जीतेंगे बोलकर अंदाजा हो गया है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी प्रोपोगंडा, फाल्स प्रोपोगंडा करने दो, लेकिन इस बार पूरे ये मुल्क के अंदर जो है आपके इस रवैये की वजह से नाराज की है। 70 साल के ज्यादा हो गया यहाँ पर, क्या मुसलमानों को क्या किया है, कौन सी पार्टी क्या की है, कांग्रेस भी आई है वही हाल, बीजेपी भी आई वही हाल, कांग्रेस वालों का मसला अलग, बीजेपी वालों का मसला अलग, हर जगह पर मुसलमानों के नाम लेते हैं। मुसलमान जो है आटे के चक्की के अंदर जो आटा है उस तरह से पीसा जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि हमको इस्तेमाल कर मुसलमानों को इस्तेमाल कर जिस तरह से वोट लेना, वोट को पोलराइज करना, ये छोड़ दीजिए। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, पूरी मुल्क का इलेक्शन है, ये एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक फेस्टिवल होता है हर सिटीजन के लिए, वहाँ पर वोट डालने का रहता है। वोट डालने के जब लोगों को जब उनको मुतासिर करना है आपकी बातों से, लोगों को वोटर्स को कन्विंस करना है कि मुझे वोट क्यों डालें, तो यहाँ पर हम समझना चाहिए, हम जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी शहर हैं, सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए। और रही बात कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दीली करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करेंगे, संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं बहुत कुछ एमबे, जिसके लिए 400 पार बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान बनाया है, ऐसे 10 नरेंद्र मोदी भी अगर पैदा होंगे तो हमारा देश का संविधान नहीं बदल सकते। लेकिन वो लोग बहुत कुछ बदल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, हर तरीके से मनी कर रहे हैं। मदर साहब, जिस तरह से आपने बताया डेमोक्रेसी की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, यहाँ पर आप एक सीनियर सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आपने बारीकी से हर इलेक्शन में नज़र रखी है। पिछले इलेक्शनों में हमने देखा है जब भी कोई पॉलिटिशियन कोई स्टेज पे बयानों में कोई गलती करता है तो इमीडिएट इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन पर एक्शन लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी को देखिए, दीगर जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं, किसी भी खास मजहब के खिलाफ उनके बयान आ रहे हैं और कई यहाँ पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्या वजह होती है? देखिए, जब भी इलेक्शन कमीशन भी है, कमीशन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी होती है वो, उसमें किसी का दबाव नहीं, किसी का प्रेशर नहीं, एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है वो। जब यहाँ पर अगर कोई ऐसी अगर बात अगर करता है अवाम के सामने, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से इलेक्शन के जो रूल्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर वायलेशन अगर होते हैं, तो आज के दौर में क्या करना पड़ रहा है, जाकर उनको रिप्रेजेंटेशन कंप्लेंट देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने अगर ऐसी अगर बात आती है मीडिया के जरिए से, अखबार के जरिए से, अगर किसी सोर्स के जरिए से भी अगर उनको मालूम होता है कि यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर वायलेशन हो रहे हैं, तो किसी को कंप्लेंट देने की जरूरत नहीं है, सो मोटो एक्शन लेना वहां पर, सो मोटो एक्शन लेने की जिम्मेदारी इलेक्शन। लेकिन आज क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन वहां पर पूरे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एक रिटर्न कंप्लेंट देने के ऊपर बाद भी जो है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। जब हम बहुत खुश हुए कि एक वर्ड आया, एक इलेक्शन कमीशन ने एक बात कही, लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल बोलते चलो ठीक है, यहां पर सबको बराबर, अब ये बार थोड़ा बहुत इलेक्शन करेंगे, कहां पर है लेवल प्लेइंग फील्ड, वेयर इज लेवल प्लेइंग फील्ड, किधर है? सीधा सीधा आप वहां पर वायलेशन हो रहे हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे।
कितने बार जाएंगे वहां पर, कोई पॉलिटिकल पार्टी से अगर जा रहे हैं हर छूट, कोई अगर वायलेशन कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन दे रहे, रिप्रेजेंटेशन दे रहे, कार्रवाई किसको दे रहे, किसने अपॉइंट किया इलेक्शन कमीशन को? अपने इलेक्शन इमीडिएटली अनाउंस होने से कुछ दिन पहले जो सिटिंग इलेक्शन कमीशन था, क्यों वो लोग, उन्होंने इस्तीफा दिया? फिर इनो अचानक इनो कैसा है और वो क्या उम्मीद रखेंगे ऐसे इलेक्शन कमीशन से? वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या उम्मीद रखते हैं? कॉमन सेंस, चलो मैं और हम उतने होशियार तो नहीं है, वो लोग बहुत बड़े होशियार हैं, हम छोटे मोटे लोग हैं, चलो सब हम कॉमन सेंस की बात करेंगे। मैं जिसको नौकरी पर रखा हूं वो अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ कार्रवाई करेगा? करेगा क्या? नहीं करेगा वो। तो यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कैसा होगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कैसा होगी? जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेट होते हैं वो हमारे नौकर होते हैं, ग्राम पंचायत का मेंबर से लेकर काउंसिलर, कारपोरेटर, एमएलए, एमएलसी, एमपी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये हमारे नौकर हैं, हम उनके मालिक हैं। डेमोक्रेसी का मतलब हम मालिक हैं। रिप्रेजेंट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के मुताबिक ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है? पब्लिक के नौकर, वो हमारे नौकर है। आज देख रहे हैं आप हमारे लीडर्स, वहां इधर उधर की बात नहीं, हमारे लोकल सतह पे देखिए, प्रीवियस गवर्नमेंट थी, अब गवर्नमेंट है, आगे कौन सी गवर्नमेंट है, जितने भी लीडर आते हैं वो लीडर ऐसा आता कि वो मालिक की तरह आता है, और हमारा जो मालिक रहता है वोटर, वो नौकर की तरह साफ 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 करते रहता है। वैसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल मालिक की तरह अपने नौकर को सवाल करना है, और नौकर की जिम्मेदारी हो कि मेरे मालिक को जवाब दे। यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है, कैसा डेमोक्रेसी है? ये मालूम होना चाहिए तमाम लोगों को। आप अगर आपका एमएलए अगर सामने आ रहा है तो समझना, सोच लेना, अपनी तसव्वुर करना कि वो मेरा नौकर आ रहा है। और जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जीत कर आते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा तोप मत समझिए, आप अपने आप को खादिम समझिए, अवाम का खादिम। में अवाम की खिदमत करने के लिए मैं इस फील्ड में आया हूं। जब तक आप ये जज्बा अगर नहीं रखेंगे तो आपके अंदर तकबूर पैदा होगा, और जिस इंसान में अगर तकबूर होगा वो तकबूर में ही रहेगा, अवाम की खिदमत नहीं करेगा, वो खादिम नहीं बनेगा। देखिए जिस तरह से आपने भी देखा होगा, जितने भी जो बिगेस्ट यूट्यूबर्स हैं उनकी तरफ से नरेंद्र मोदी को एज ए डिक्टेटर बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से आपने मेन स्ट्रीम मीडिया का जिक्र किया, मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरफ से रूलिंग पार्टी का स्पोक पर्सन की तरह वो लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं, मोदी को डिक्टेटर जो बताया गया उसके खिलाफ वो लोग जो है ना अपने प्रोग्राम चला रहे हैं, वहाँ पे बता रहे हैं कि अगर मोदी डिक्टेटर होता तो क्या सीए एनआरसी को बर्दाश्त करता है, किसानों के वहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं, वहाँ पर मोदी को गाली दी जा रही है, क्या डिक्टेटर गाली सुनने का काम करता है? मोदी को डिक्टेटर जिस तरह से बताया जा रहा है उसको डिफेंड करने का काम मीडिया कर रहा है, तो इसको किस तरह से देखेंगे? क्या आप भी मानते हैं कि मोदी के राज में डिक्टेटरशिप चल रही है? वो तो क्लियर बात है। जहाँ पर फोर्थ पिलर जो अपोजिशन का रोल अगर निभाना है, किसी भी मुल्क में, ये हमारे मुल्क में नहीं है, जिस मुल्क में मीडिया अगर गवर्नमेंट की तरफदारी कर रही है तो समझ जाओ वहां डिक्टेटरशिप है। अगर मीडिया उस गवर्नमेंट से अगर सवाल कर रही है तो समझ जाओ वहां पर डेमोक्रेसी रूल है। यहाँ पर मीडिया एक तरफ अगर बात कर रही है तो हमारे को डिक्टेटरशिप के सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, सेपरेट नया डेफिनेशन लाने की जरूरत है। बेहतरीन चीज यहीं पर आपको जवाब मिल गया, डिक्टेटरशिप का डेफिनेशन यही है। जहां पर मीडिया खामोश है तो समझ जाओ कि वहां पर डिक्टेटरशिप हावी है। बस ऐसा वाले सीधी सीधी बात है। एज ए एडवोकेट आप जिस तरह से आपने बताया इलेक्शन कमीशन को जिस तरह सो मोटो के कंप्लेंट उनको लेना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था, कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर भी जाकर रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी वो एक्शन नहीं ले रहे, एज ए एडवोकेट आप क्या सलाह देंगे? जब इलेक्शन कमीशन वहां पे एक्शन नहीं ले रहा कुछ पॉलिटिकल लीडर्स पर, तो दूसरा रास्ता क्या होगा? देखिए हमको तो रिप्रेजेंटेशन हर चीज को कॉग्निजेंस, सो मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे वो लोग कमीशन वाले। आपको कंटिन्यूसली जब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर किसी भी कैंडिडेट या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी भी अगर वायलेशन अगर कर रहा है, किसी सिंबल के तहत, सिंबल के बैनर के नीचे खड़ा होकर अगर
वायलेशन अगर कर रहा है तो हमको रिप्रेजेंटेशन कंप्लेंट तो देना ही पड़ेगा और वहां पर इलेक्शन कमीशन को कॉग्निजेंस लेना ही होगा। कॉग्निजेंस लेने का मतलब भी इतना ही नहीं कि जस्ट आपको एक नोटिस दे दिए काम खत्म, नहीं, जस्ट एक हफ्ते के लिए दो दिन के लिए आपको बैन कर दिए, इससे भी नहीं, उनको परमानेंटली बैन करना। ऐसी चीज जहां पर ये मुल्क सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर किसी एक मजहब के ताल्लुक से मजहब के अगर खिलाफ अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल है, प्रीएम्बल है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको धक्का पहुंचा रहे हैं, जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर को जब निशाना तोड़ा जा रहा है, उसके धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करने वाला इलेक्शन कमीशन अगर खामोश अगर बैठता है तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन का, कॉन्स्टिट्यूशन की तहफ़ और उसके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कॉम्प्लेंस किस तरह से होंगे। जिस तरह से 2024 के ये लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, इसमें 7 फेज में इलेक्शन यहाँ पर वोट पोलिंग हो रही है और 2 फेज तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा फेज अभी चल रहा है और तीसरे फेज में आप देख सकते हैं कि गुलबर्गा से भी यहाँ पर 7 मई को वोटिंग होने वाली है। एक तरफ NDA वर्सेस इंडिया के बीच में यहाँ पर फाइट चल रही है। आप देखेंगे तो कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फाइट है और कुछ जगहों पर रीजनल पार्टी के वर्सेस बीजेपी के बीच में फाइट है। और जहाँ तक हम गुलबर्गा की बात करेंगे तो यहाँ से कांग्रेस से राधा कृष्णा हैं और बीजेपी से उमेश यादव हैं, तो आप एज ए गुलबर्गा सिटीजन होने के नाते क्या मैसेज देंगे, क्या लगता है आपको किस तरह से यहाँ पर पोलिंग होगी और किसकी जीत होगी? देखिए, पिछले इलेक्शन जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उनका इलेक्शन था, उस वक्त भी बहुत सारे लोग देखे हैं कि कोशिश किए थे, 2 बार इलेक्शन वो जीते थे लेकिन 2019 में उनको शिकस्त हुई। उस वक्त यही उमेश यादव साहब इलेक्शन नए कैंडिडेट थे, तो जब वो मामला, मैंने इसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पुलवामा का मामला था, ऐसा ऐसे कुछ इमोशनली इमोशन बोले, हिंदुस्तान के वोटर जो है बहुत जज्बाती होते हैं, जिसकी वजह से उमेश यादव साहब को वोट डाले और उनको जिताया और उनको अलेक्ट किया गया। इस पाँच साल के दौरान जिस तरह से हमारा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो रिप्रेजेंटेटिव जो MP काम करना चाहिए थे वो काम पूरी तरह से नहीं किया, कोई काम नहीं है। पहले तो दो साल कोविड का जब मामला आया, कोविड के मामले में तो पूरे मुल्क भर, पूरी दुनिया परेशान थी कोविड के वक्त। कहाँ थे उस वक्त उमेश यादव साहब, कहाँ पर थे जब यहाँ पर गुलबर्गा शहर में आवाम परेशान थी? चलो कोविड के टाइम पे हटा, उसके बाद कहाँ है? उन्होंने अपने MPLAD लोकल एरिया डेवलपमेंट का फंड, MPLAD फंड कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया उसका बताओ लोगों के सामने। उमेश यादव साहब से मेरा ये सवाल है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी सबसे मजबूत हुकूमत थी सेंट्रल में, कांग्रेस छोड़कर आपने BJP को गया था, आपको मिनिस्टर भी नहीं बनाए थे, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना फंड लाया बताइए, कितना फंड लाया? और फिर क्या उम्मीद करेंगे कि यहाँ गुलबर्गा के अवाम आपको वोट डालेंगे? गुजिश्ता जब खड़गे साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे यही बात हुई थी, खड़गे साहब बहुत ही तकबर में रहते हैं, खमंडी है खड़गे साहब, ये बोलकर इलेक्शन आप जीते, आप क्या काम किए? तो यही तो डेमोक्रेसी है, आप काम करेंगे तो आपको वोट डालेंगे, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको आपके खिलाफ वोट डालेंगे। मुझे बड़ा फक्र होता है कि हमारे कुछ यहाँ के नौजवान, मेहनत कशी नौजवान जो है काम कर रहे हैं, अपने फैमिली को पाल रहे हैं, अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, कौन करने वाला है हमारे लिए? कोई उमेश यादव या कोई राधा कृष्णा हमारा घर चलाने वाला नहीं है, हमको ही हमारा घर चलाना है, हमको ही गड़ा खोदना है, हमको ही पानी निकालना है, हमको ही पानी पीना है, कोई हमारी हमदर्दी करेगा नहीं। ये 15 दिन की हमदर्दी हो सकती है, मैं अच्छा हूं बोलकर वोट मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए आएंगे, लेकिन उनको एहसास दिलाना होगा अगर आप वोट लेंगे उसके बाद काम नहीं करेंगे तो आपको आप सबक सिखाना होगा। इस बार हम उमेश यादव को सबक सिखाएंगे, कल राधा कृष्णा भी अगर काम नहीं करेंगे तो हम राधा कृष्णा के खिलाफ भी वोट डालेंगे या राधा कृष्णा की जगह दूसरा भी अगर आएगा तो उसको भी सबक सिखाएंगे। इतने बड़े लीडर खड़गे को जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को यहाँ पर गुलबर्गा के, हमको फख्र होता है कि गुलबर्गा का एक दलित लीडर एक नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट बनता है, तो हमको बहुत फख्र फील, हम प्राइड फील करते हैं, मामूली बात नहीं है, बड़ी बात है, हमको खुशी होती है।
साथ ही साथ हम उमेश यादव से भी यही उम्मीद किए थे कि वो गुलबर्गे का एमपी यहाँ से जीत कर गया, वो नरेंद्र मोदी के आंख में आंख मिलाकर या गुलबर्गे के डेवलपमेंट के लिए वो फंड लेकर आएगा हाथ मिलाकर। नरेंद्र मोदी आती ऐसा ऐसा करता क्या है, वो बहुत बड़ा भूत है। आप बात करना, आप गुलबर्गे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, साहब मेरा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एक मूल के बड़े लीडर को खिलाफ वोट डालकर मुझे जिताकर भेजा है, इतने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट को शिकस्त देकर मुझे जिताकर भेजा है, मेरे लिए मेरे को फंड नहीं दे रहे। आप क्या कितने बार नुमाइंदगी करे, क्या लें यहाँ पर, बहुत कुछ कर सकते थे गुलबर्गा शहर के लिए, लेकिन उनको इंटरेस्ट आवाम के लिए करने का नहीं था, वो लोगों को बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो कंपनियां हैं उनके लिए काम करना है, इतना ही है। दूसरा डेवलपमेंट किसका डेवलपमेंट हो रहा है, उनका ही डेवलपमेंट हो रहा है। परल जी, आखिर में आपको गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की खास करके 7 तारीख को वोटिंग है, 2 दिन बचे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस बेसिस पर वोटिंग होगी, कौन से कैंडिडेट को जिताना है और क्या उम्मीद लेकर वोट करें, और जिस तरह से हालात आप देख रहे हैं कई लोगों को जो वोटिंग करने लोग जाएंगे तो उनका तरीका क्या होगा, किस तरह से वो लोग वोटिंग करें, उनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वोटिंग के लिए लगते हैं, क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम गुलबर्गा की आवाम से गुजारिश करता हूं कि ये इलेक्शन अहम इलेक्शन है, हम जिस तरह से शादियों में जाते हैं, दावत को जाते हैं विथ फैमिली का कार्ड आता है, इन्विटेशन कार्ड, जिस तरह से हम शादियों को तैयार होके सज धज के हम जाते हैं विद फैमिली के साथ जाते हैं, वोट डालने के लिए भी आप पूरी तैयारी के साथ पूरे फैमिली के साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां पर पोलिंग बूथ को जाइए। अगर आप एक वोट डालेंगे फिर मेरे बाबा बाद में वोट डालेंगे, नहीं, ये हमारा फेस्टिवल है, ये वोटर सिटीजन का फेस्टिवल है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, हम फेस्टिवल की तरह एक त्योहार की तरह अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, पूरे फैमिली पूरे मिलकर, किसको डालना उसको वोट डालिए आप, लेकिन मिलजुल कर तमाम लोग आइए, वो पोलिंग बूथ में आइए, थोड़ी सी तकलीफ भी है, कई पोलिंग बूथ को जो है तुम्हारे को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक आपको पोलिंग स्टेशन तक जाना है, धूप ज्यादा है। मैं यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम कीजिए, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल नूरानी महिला का पोलिंग स्टेशन सिटी स्कूल यानी तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जिसके पास कार है 2-व्हीलर है वो पोलिंग स्टेशन को चला जाएगा, लेकिन जो गरीब है वो उनके पास कोई जरिया नहीं है, सोर्सेस नहीं है जाने के लिए, तो वो कैसा करेंगे, वो पोलिंग स्टेशन क्यों जाएंगे वो लोग, तो वैसे गरीबों के लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहां पर पहुंचाइए, साथ ही साथ धूप है वहां पर पानी का इंतजाम कीजिए, शामिया हर पोलिंग स्टेशन के सामने शामिया मारिए, चिट्ठिया का मामला है, चिट्ठियां अभी तक घरों तक पहुंचे नहीं है, चिट्ठियां अगर नहीं भी मिल रहे हैं चलो ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कंप्यूटर जानता हूँ, मोबाइल यूज करना चाहता हूँ, मैं जाऊंगा, लेकिन अनपढ़ वोटर वो मोबाइल नहीं देख सकता, इसके लिए वॉलेंटियर्स वहां पर भेजिए, चिट्ठिया नहीं मिल रहे बोलकर नाराजगी करते भी मत बैठिए आप लोग, आप पोलिंग बूथ को जाइए वोटिंग के दिन, वहां पर कोई ना कोई मिलेगा आपको, वहां पर आपको वहां पर गवर्नमेंट के जानिब से वहां पर वोटर लिस्ट लेकर बैठते हैं, वो आप अपना आईडी कार्ड दीजिए, वो ढूंढकर आपका नाम देंगे, नाराजगी दिखाने का वक्त नहीं है, मुझे आकर मिले नहीं, मुझे मुलाकात नहीं किए, मुझे देखा नहीं, ये वक्त वो अगर देखते बैठेंगे तो वोटिंग नहीं होगी। यहाँ पर लास्ट टाइम पर पोलिंग परसेंटेज बहुत कम पोलिंग परसेंटेज हुआ था, मैं चाहता हूँ कि इस बार का 80% पोलिंग परसेंटेज हो, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 50,000 to 70,000 की लीड बीजेपी के खिलाफ हो, मैं चाहता हूँ, मैं तमाम गुलबर्गा की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि इस बार आप तमाम मजहब से ताल्लुक रखने वाले जो इसकी इंसानियत के ऊपर बिलीव रखने वाले, इंसानियत के ऊपर भरोसा करने वाले, इंसानियत की कदर करने वाले लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि तमाम लोग मिलकर, हम तमाम लोग मिलकर जब जब मुल्क मुसीबत में आता है तो हम लोग ही तो आगे आते हैं, अब इस बार मुल्क हमारा खतरे में है, मुल्क मुसीबत में आया है, आप और हम मिलकर पोलिंग स्टेशन को जाएंगे और वोट डालकर उनको बताएंगे हम आपको जिता सकते हैं तो हम आपको हरा भी सकते हैं, मुल्क जब खतरे में आता है तो इस मुल्क का हर शहरी पूरे इत्तेहाद के साथ जाकर
वोट डालकर मुल्क को बचाने का भी काम करता है। और मैं कांग्रेस के उन तमाम वर्कर से भी गुजारिश करता हूं कि आप मेरे को पार्टी वाले नहीं बुलाए, मुझे देखे नहीं, मैं नाराज बनकर, मैं दामाद अगर बनकर बैठूंगे तो वो वक्त नहीं है। कुछ नौजवान ये भी कह रहे थे कि मुझे हमारे को कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, हमारे सामने वाले हमारे अपोजिट वाले को काम दिए, हमारे को काम नहीं दिए, हम कैसा काम कर रहे हैं। मैंने बोला काम भूल जाओ, काम देने दो नहीं देने दो हमारा और आपका काम है, ये इलेक्शन इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, हम उसको छोड़ दो, काम करो। बात पैसे अगर बात आती है पैसे जेब से खर्च करो, अपने जेब से खर्च करके काम करो। आज दो मीटिंग हुए हैं, बहुत सारे लोग गुलबर्गा शहर के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नहीं है, कोई भी पार्टी से नहीं है ना, वो पार्टी वर्कर है, उसमें से कोई कांग्रेस से या कोई भी दूसरी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो 25-50 मकानों का एक मीटिंग ले रहे हैं, एक मीटिंग लेकर वो डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ही अहम इलेक्शन है, बहुत ही अहम इलेक्शन है, घरों में बैठने का इलेक्शन नहीं है। आप दो इलेक्शन के दिन दरवाजा खटखटाकर खुची है, आपने वोट डाला या नहीं डाला है। मैं ये हमारे खाली गुलबर्गा नॉर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुलबर्गा के पूरे 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जितने भी वोटर हैं वो तमाम लोग अपने वोटरों को घर के बाहर निकालकर वोट डालने का काम कीजिए। एक यहां से रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग परसेंटेज आना चाहिए और रिकॉर्ड ब्रेक से उमेश यादव की शिकस्त होनी चाहिए और रिकॉर्ड ब्रेक से एक मैसेज भी जाना चाहिए वहां पर पूरे मुल्क भर में कि यहां पर किसी को हरा सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं तो किसी को हरा भी सकते हैं। तो उसके लिए आप अपनी नाराजगी को खत्म कीजिए, मेरे को बात नहीं करे, मेरे को पूछे नहीं। बहुत सारे कार्पोरेटर भी मेरे को फोन पर उनसे मैं बात करता हूं तो कार्पोरेटर ये बोलता है आपको बुला रहे हैं यार, नए नए लोगों को बुलाए उनको ही लेकर फिर रहे हैं, ले को फिरने दो यार, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, एक्स कार्पोरेटर है, एक्स मेयर है, एक्स डिप्टी मेयर है, अगर आप लोग घरों में अगर बैठेंगे तो कैसा होगा, आप पार्टी से ताल्लुक रखने वाले। मैं तो पार्टी से ताल्लुक ही नहीं है मेरा, जब मुझे अगर दर्द हो रहा है तो पार्टी वालों को ये हो रहा है कि मेरे को पार्टी वाले बुला रहे थे, क्यों नहीं मत बुलाने, तो आपका काम है। पार्टी वाले का पॉलिटिकल पार्टी का जो होता है उनका 0.5% रोल होता है, 0.5% 99.5% रोल सोशल एक्टिविस्ट वोटर्स शहर के जिम्मेदार ताजिर हजरात और उलमाए इकराम ये लोगों का रोल होता है, ये लोग माहौल बनाते हैं। तो यहां पर आप फिक्र कर लें, अगर इलेक्शन जीत रहे हैं तो क्रेडिट वो ने 99.5% को क्रेडिट जाएगा इंशाल्लाह। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से मौजूदा सियासी हालात पर बात करने के लिए जनाब मजहर हुसैन एडवोकेट साहब ने हमें वक्त दिया है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए ना कि सिर्फ गुलबर्गा शहर बल्कि जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं तमाम लोगों को एक मैसेज पहुँचा है कि तमाम सियासी हालात में किस तरह से आपको वोट देना है और कौन सी पार्टी को आपको चुनना है और किस तरह से हम डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को हिफाजत कर सकते हैं।